हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, सेफ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं द फेमस भात बाज़ार, जो कि नियरेस्ट स्टेशन है मस्जिद बंदर। तो अगर आपको यहाँ आना है तो आपको पहले मस्जिद उतरना पड़ेगा और फिर वहाँ से जो है आप यहाँ भात बाज़ार आ सकते हैं। तो भात बाज़ार जो है वो एक होलसेल मार्केट है और वो फेमस अपनी ग्रॉसरीज और यहाँ पर हर चीज़ मिलती है जो रोज़मर्रा की हमको घर में जो हाउस होल्ड की चीज़ें ज़रूरत पड़ती है खाना वगैरह बनाने के लिए, जैसे कि दाल वगैरह हो गया, चावल हो गया, ऑयल। इनफैक्ट ऑयल के रेट्स भी यहाँ पे कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते, तेल, घी, बटर, मेयोनीज़ वगैरह सब कुछ यहाँ मिलता है। वैरायटी तो यहाँ कूट की भरी है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि वैरायटीज़ की तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सारे टाइप के यहाँ पे, मतलब एक सिंगल राजमा के मैंने कम से कम 4 टाइप्स देखे, मूंग दाल के यहाँ पे 4 टाइप्स देखे। इस तरीके से हर चीज़ के यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस अवेलेबल है। तो आप जो यहाँ पे अच्छी तरह सब कुछ देख के आपको जो भी शॉप करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि यहाँ पे वैरायटीज़ भी है और साथ में यहाँ के जो रेट्स हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी रीज़नेबल है। अगर आप यहाँ के नियरेस्ट मार्केट, मतलब जो यहाँ का नियरेस्ट मार्केट है जो कि डोंगरी मार्केट है, या फिर आप कहीं के भी मार्केट से आप देख सकते हैं, तो जो ये इसका जो रेट है, भात बाज़ार का रेट है, वो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा सस्ता है। और मैं क्योंकि आपको एक चीज़ बताऊं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से ख़रीदी भी है और जिसके रेट्स जो है मैंने इसमें डाले हैं वीडियो में, जो प्रोडक्ट मैंने खुद पर्सनली ख़रीदा है उसके मैंने मार्केट रेट और MRP के साथ प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया है और इसे वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आपको जो है वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप देख सको कि किस तरीके से यहाँ के जो रेट्स हैं वो नॉर्मल मार्केट के रेट से डिफर करते हैं। तो बस आपको जो है इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना है। और अगर आपको इसकी वजह से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एग्जैक्टली मैंने किस दुकान से ख़रीदा, कि कौन से दुकान में हमको सस्ते प्राइस में मिला, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे रेट्स तो सारे शॉप के सेम ही हैं, बट कुछ शॉप में जो है कंपैरेटिवली थोड़े कम रेट्स में भी और अच्छी चीज़ें मिल जाती है। और एक और चीज़ आपको ये बताती चलूँ कि ये जो मार्केट है, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, लेकिन क्योंकि ये दोपहर का टाइम था तो मुझे जो क्राउड कम मिला और मैं जानबूझ के ये टाइम पे ताकि मैं आपको शूट करके आराम से दिखा सकूँ पूरे मार्केट का व्यू, तो इसलिए मैंने खास कर इसी टाइम का चूज़ किया आने का। तो आप जो है ये फटाफट से मार्केट का व्यू देख लें और फिर एंड तक आपको वीडियो देखना है ताकि आप वो चीज़ मिस ना करें जहाँ पे मैंने बताया है कि जो चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीदी हैं उसके रेट्स और मार्केट के रेट्स किस तरह से डिफ़र करते हैं। तो इसकी वजह से आपको वीडियो जो एंड तक देखना है। आप वैरायटीज़ देख सकते हैं, अभी रमज़ान चल रहा था तो इसे आप देख सकते हैं, सामने जो है वो खजूर भी बिक रहे, तो चलिए देखते हैं खजूर के क्या क्या वहाँ पर वैरायटीज़ है। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे वेरियंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ सीडलेस है और कुछ सूखे वाले हैं, कुछ गीले वाले हैं, इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट्स में भी अलग अलग रेट है, कुछ थोड़े महंगे, थोड़े एक्सपेंसिव, थोड़े कम सस्ते, ऐसे टाइप के सारी चीज़ें यहाँ पे जो है अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है और इम्पॉर्टेंट तो ये कि हर वैरायटी वहाँ पे अवेलेबल है। तो आगे बढ़ते हैं और शॉपिंग करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले जो हमने लिया था वो है अमूल बटर, जिसका मार्केट प्राइस 245 है और हमको वहाँ पे ये 230 रुपीस में मिल गया। उसके अलावा ये मेयोनीज लिया है, वीबा का जो 195 प्रिंट थी मगर हमको जो है वो 140 में मिल गया, उसके साथ ही वो भी 1 kg का था। और ये शेजवान चटनी भी 1 kg का 240 MRP था और ये हमको मिला 180 रुपीज़ में। साथ ही में हमने लिया टमेटो केचप, जो मैगी फ्री था तो 125 था, हमने मैगी उससे एक्सक्लूड करा दिया तो हमें 80 रुपीज़ पड़ा, MRP 150 था। हक्का नूडल्स का MRP 20 था जो खिलर्स का है और हमको जो है वो 50 रुपीज़ में मिला। साथ ही में चिंग्स का ग्रीन चिली और रेड चिली हमको 50 में पड़ा, जिसका MRP 85 है। उसके साथ हमने ये खुले पास्ता लिया जो हमको 1 kg का 60 रुपीज़ पड़ा। और साथ ही में हमने लिया अमूल का चीज़ क्यूब जो है हमको 40 पीस का 440 रुपीज़ पड़ा। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, टेक केयर, बाय बाय।